Welcome to Time News Studios. You are watching 6 p.m. Bulletin. ऑर्डिनेंस जारी किया गया, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस। ये वफाक ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। वफाक ने उस प्रॉपर्टी को अपनी मिल्कियत के तौर पर शो किया जो कि उसकी मिल्कियत आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से नहीं है। सिंध की काबीना ने यूनानिमसली इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अपने सख्त रिजर्वेशन का इजहार करते हुए फौरी तौर पर यह डिमांड की है कि वफाकी हुकूमत इस गैर आईनी गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को फोर्थविथ विड्रॉ करें। वफाकी हुकूमत ने हमसे बात की कि ये आइलैंड्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो सिंध हुकूमत ने ये कहते हुए कि हमारी मिल्कियत है, चार नुकात वफाकी हुकूमत के सामने रखे। गुड फेथ में हमने बात करने का फैसला किया था, इन आइलैंड्स के हवाले से बातचीत की जा सकती है ताकि आइलैंड्स की डेवलपमेंट हो सके। अब हमें भरोसा नहीं है आपकी बात। और काबीना ने ये भी फैसला किया कि हम आपको इस इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो खत लिखा गया था उसको भी फौरी तौर पर सिंध काबीना ने आज विड्रॉ कर लिया। सिंध हुकूमत बेटन ते शहर अडण लाए आइलैंड अथॉरिटी के क़याम लाए जारी कल सदारती ऑर्डिनेंस के गैर आइनी है। सिंध की मिल्कियतन तेरा ताहु करार डींदे रद्द कर छो, बिना देर वापस अठन जो भी मुतालबो। सिंध काबीना के इजलास बाद तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब बेटन की तरक्की लाए वफाकी सरकार से सुठी नीयत से गाल हुई, हाँ वफाक से के भी गाल न क्यों वेंदू। बेट सूबाई हुकूमत अवाम की मिल्कियत ऑर्डिनेंस जरिए तासर दियण की कोशिश कई वही तो वफाकी सरकार कहीं भी वक्त बेटन के पांजी मिल्कियत में शामिल करे सके थी। असां चयो हो त बेटन की तरक्की लाए को भी कम करण का अग असां के आगाह कयो वञे। वफाकी हुकूमत असां के एतमाद में वठण बिना ऑर्डिनेंस जारी कयो, हाणे वफाक ते भरोसो नाहे। सिंध हुकूमत बेटन ते तरक्की लाए वफाक ॾांहुं उमाणियल ख़त सां बे हथ खणी छॾियो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मुर्तज़ा वहाब चयो त गवर्नर के अकुल घटि आहे, तंहिं करे NOC जारी थियण जे बारे में बयान ॾिनो। बेटन की तरक्की लाए को भी कम करण का अग मकामी मानून के मफादन के मथाओं रखो वो सदारती ऑर्डिनेंस वापस वठण लाए वफाकी सरकार के खत लिखो वो उन समूरा कानूनी दग इस्तेमाल किया वा। वफाकी सरकार के तर्जुमान शिबली फराज सदारती ऑर्डिनेंस बाबत बिलावल भुट्टो के बयान की मजम्मत करने असें पाकिस्तानी नथा समझो, वफाक भारत है। बिलावल के अड़ो बयान न दियन घुर्जे। हाँ वफाकी हुकूमत बेटन ते कब्जा न पर सीलपकारी जरिए तरक्की चाहे तो, इन सा मकामी मानून के नौकरियों मिलंदी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिबली फराज चयो असां को भी गद्दारी जो सर्टिफिकेट ना है दिनों। बगावत के केस वारो मामलो पंजाब हुकूमत जो है, यह जांच कराए तो FIR कहीं कटाई है। थी सके तो नून लीग के पंजन ई मानून केस दाखिल कराया हो, जैमें इमरान खान या वफाकी हुकूमत जो को भी अमल दखल ना है। शिबली फराज चयो तो खबर ना है तो बशीर मैमण कहें चवण से अड़ियों गाल रो है, हुकूमत के अड़ो कुछ भी न चयो हो। मसला क्या था इमरान खान साहब, क्या चाहते थे जो आप उनकी मुराद पूरी नहीं कर रहे? जो 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 नैब ने किया है वही हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और फिर उनकी पूरी फैमिली। एंड ऑफ द डे मैंने उनको यही बताया कि जी ये सारे के सारे प्रोविंशियल मैंडेट है, आप प्रोविंशियल एंटी करप्शन कर सकती है, हम नहीं कर सकते। कोई तस्वीर आई थी उसके हवाले से भी हो रहा था कि ये टेररिज्म का केस होना चाहिए। जो हाईएस्ट ऑफिस है पाकिस्तान में, उस ऑफिस में मुझे बुलाया गया, ये तस्वीर आ गई तो इस तरह करें। इमरान खान साहब मैंने कहा हाईएस्ट ऑफिस है कि इलेक्ट्रिक के पास 87 बिलियन है स्वी सदरन के, ये हमने साबित किए हैं और हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है कि इसे 87 बिलियन ले लें। उन्होंने कहा कि वो जो है वो कंपनी तबाह हो गई है, कंपनी बर्बाद हो गई है। उनके ख्याल में कि FIA ने बहुत बहुत ख़राब किया कि उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग फैमिली जितने भी नवाज शरीफ की फैमिली उन सबको ये कर नहीं कर किया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इनको छोड़ा, ये किया, वो किया। मैंने कैसे, वो नायब है ना, वही ख्वाजा आसिफ अली बात थी, मतलब और दारे मरियम नवाज साहबा की, शहबाज शरीफ साहब की, मतलब सब की, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये अपराध ग्रुप वाला मामला भी, अपराध ग्रुप वाला, फिर वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया।
शरीफ खानदान सूधो ओपोजिशन के बेन अगवाणन खिलाफ इन वक्त जो कुछ नैप कर रो है वो सब कुछ कर हो। अगुणे डीजी एफआईए बशीर मेमण का इंकशाफ एक इंटरव्यू दौरान बशीर मेमण है तो बुशरा बीबी की तस्वीर वायरल थे मुल्क की आला तरीन ऑफिस में घुराए दहशतगर्दी जो केस दाखिल करो केस नो ठहे। वजीर आजम इमरान खान जज्बाती वो तो शरीफ खानदान खिलाफ कार्रवाई छो न क्यों खेन आजाद छो कयो। आला सतही ऑफिस में शहबाज शरीफ संदस कुटुंब रिटायर्ड कैप्टन सफ्तर शाह खाकान बासी सूदो बन खिलाफ कार्रवाई लाए जोर भर वो मोइन कारकंदे वो एफआईए के इख्तियार में नो अचे। अगोणी डीजी एफआईए इंकशाफ किया तो के इलेक्ट्रिक के मालिकन दा एसएसजीसी जा 87 अरब रुपया रहतूँ होजन बाबत सबूत हद कया हुकूमत के लिखो तो उसे वापस कराए दियो। हुकूमती मानू कावड़ी पाया तो के इलेक्ट्रिक खिलाफ जांच न थन घुर्जे। हाँ अगोणे डीजी एफआईए हुकुमरान जा पोल पधरा कर छड़ा नवाज लीग तरफा वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा शहबाज शरीफ के आजाद करने का मुतालबो। मरियम औरंगजेब है इमरान खान बशीर मेमण के घुराए शरीफ खानदान खिलाफ केस दाखिल कर जोर भर संदस इनकार करण बाद नैब न्याजी गठजोड़ वजूद में आयो। बशीर मेमण के इंकशाफन बाद वजीर आजम खिलाफ कूड़ गाल इख्तियार नाजायज इस्तेमाल जो केस दाखिल करुर्जे। मदीने की रियासत हुए हा तो वजीर आजम इस्तीफा दई छे हा लीगी अगवाणन खिलाफ गद्दारी जो केस में हुकुमरान के इख्तियार जो नाजायज इस्तेमाल है। नवाज शरीफ समेत 40 का वधीक लीगी अगवाणन खिलाफ बगावत जो केस दाखिल कराइंदर बदर रशीद पान दोहारी निकतो। लाहौर के शादरा थाने ते बदर रशीद खिलाफ कत्ल गैर कानूनी हथियार रखण सरकारी कम में मुदाखलत जा केस दाखिल होने जो इंकशाफ। बदर रशीद जो पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकातों जो तस्वीरों भी मंजरेआम से अची व्यूं। बदर रशीद पीटीआई जी यूथ विंग जो अगवाण होने जो भी इंकशाफ। तर्जुमान गवर्नर हाउस बदर रशीद का ला तालुकी जाहिर करने है तो गवर्नर से केतरा ही मू मुलाकातों क्या तस्वीरों कढ़ाण मामूल की गाल है। इस्लामाबाद के मेयर शेख अंसर अजीज उहदे तां इस्तीफा दई छी। शेख अंसर पंहिंजी इस्तीफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ॾांहुं माणे छॾी। ज़रियनि मूजिबि शेख अंसर इस्तीफ़ा जो कारण नाहे ॿुधायो। दरगाह गरहोर शरीफ जे गादी नशीन जी धीउ डॉक्टर माह जे केस में अहम अगभराई। मेडिकल बोर्ड तरफ़ां 15 अक्टूबर ते कवर कुशाई जो फ़ैसिलो। हैदराबाद पुलिस सर्जन तरफ़ां जारी कल लेटर में चवो है तो 5 रुकनी टीम कबर कुशाई कंदी और डॉक्टर माहा के मौत जा कारण मालूम कर जुदा वठण से गड बीहर पोस्टमार्टम किया वो। डॉक्टर माहा की कबर कुशाई जुडिशल मैजिस्ट्रेट की निगरानी में कई वेंदी। सिंध के मुख्तलिफ शहर में आइलैंड अथॉरिटी के ऑर्डिनेंस खिलाफ़ कौम परस्त कारकुन सिविल सोसाइटी जहा मुजाहरा। सखर लाड़काणो शहदादकोट बाडरे सिंधड़ी कोठड़ी जरवार मीरपुर साकरो बियन शहर में कौम परस्त तंजीमन जहा कारकुन रस्तन से निकी आया। हथन में बैनर प्ले कार्ड कल मुजाहरीन तरफा आइलैंड अथॉरिटी नामंजूर ज नारा। अगवाणन का चवण है तो सिंध के वसीलन जहा मालिक मकामी मानू आन वफाक की सिंध दुश्मन पॉलिसी वसीलन से कब्जन वाली साजिश के कें भी सूरत में बर्दाश्त न किया वो। आइलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस वापस वन बेटन से वफाकी वालार खत्म थियण तीन जिदोजहद जारी रखी वी। सिंध हाई कोर्ट तरफा हलीम आदिल शेख जिना अहली लाए दरख्वास्त से जवाब जमा न कराने से इलेक्शन कमीशन मथा कावड़ जो इजहार। पीपी अगवान की दरख्वास्त से बुधनी दौरान इलेक्शन कमीशन के बिन हफ्तन में जवाब जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार अब्दुल रहीम मौकफ़ इख्तियार किया है तो पीटीआई एमपीए इलेक्शन कमीशन में आमदनी जहा जरिया न बुधाया असासन के तफसीलन में संदस धीरन आयशा हलीम मरियम हलीम के खर्चन जो जिक्र ही ना किया वो। हलीम आदिल शेख की बिन्हीं धीरन जहा खर्च अमेरिकी बैंक जरिए भरया पे वन। हलीम आदिल शेख मथा नवाबशाह वारो पॉलिट्री कॉम्प्लेक्स में लिकायण जहा इल्ज़ाम। पीपी अगवान तरफा हलीम आदिल शेख के नाअहल करार दियण की इस्तदा। हिंदू न्याणियों के तहफ़ुज़ के हवाले से कानून साजी कई वेंदी। सिंध सूदो बियन सूबन से हिंदू बिरादरी जो शिकायतों मिली रही अकलियतन के तहफ़ुज़ बाबत जुड़ियल पार्लियामानी कमेटी के चेयरमैन
सेनेटर अनवारुल हक चयो आहे त अक़लियतनि जा मसाला ॿुधण बाद वफ़ाक तोड़े सूबाई हुकूमतनि खे सिफारिशूं माणियूं वेंदियूं। हिंदू बिरादरी जा मसाला हल करण जी भरपूर कोशिश कई पई वञे। सखर में पार्लियामानी कमेटी जे इजलास दौरान पुलिस तरफ़ां हिंदू बिरादरी जे मसलनि सूधो ॿियनि मामलनि बाबति ब्रीफिंग। इजलास में एडिशनल आई जी सखर घोटकी खैरपुर ऐं सखर जे एस एस पी तरफ़ां ब्रीफिंग ॾिनी वई। फरीदन जे यूसी बेलावा जे ऑफिस ते एंटी करप्शन खाते जी टीम जो छापो। टीम खे ॾिसी अमलो खिसकी वियो। एंटी करप्शन खाते जी टीम तरफ़ां ऑफिस जे मुख़्तलिफ़ हिसनि जो जाइज़ो वठण बाद अहम रिकॉर्ड तहवील में वरितो वियो। इख़्तियारनि जो चवणु आहे त यूसी बेलावा में करप्शन जूं शिकायतूं मिलण ते जांच शुरू कई वई आहे। चार सालनि जे रिकॉर्ड जो जाइज़ो ऐं जांच बाद ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। बलोचिस्तान जे इलाइक़े सिबी भरिसां ज़मीन जे तकरार सां रिंद ऐं खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में खूनी झेड़े दौरान 6 ॼणा मारिजी विया। ॿिन्ही धुरनि जा 10 माण्हू ज़ख़्मी। झेड़े दौरान मारिजी वियलनि में अॻूणो म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन हाजी हयात रिंद शामिल। इतलाउ ते लेवीज़ ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस जा अहलकार पहुची विया। ॿिन्ही धुरनि जा हथियारबंदि फरार थियण में कामयाब। मारिजी वियलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। कराची जे माणीपुर वारे इलाइक़े में मोटरसाइकिल लिफ्ट औरत गिरफ़्तार। कार्रवाई दौरान औरत जा ॿ साथी फरार थियण में कामयाब। पुलिस औरत बीनिश उर्फ काटू खे AVLC हवाले करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त लॉकअप हवाले करे छॾियो आहे। पुलिस चयो आहे त बीनिश पाण खे छोकिरो ज़ाहिर करे मोटरसाइकिल फुर कंदी हुई। वटां फुर थियल हिकु मोटरसाइकिल हथु कई वई। ऐं पीरगोट भरिसां बात जो दोस्ती रखण खां इनकार करण ते ॿिनि भेनरुनि मथां वेश्याणो तशद। रिमशा ऐं गुलशन फुलकोटो ज़ख़्मी। नारियुनि दाहियो आहे त बास जवाबदार दोस्ती रखण लाइ तंग कंदा हुआ। पुलिस वटि वियासीं त कार्रवाई लाइ मुबैना रिश्वत घुरी वई। अहमदपुर थाणे जी पुलिस बास जवाबदारनि जे साथ थारी वञियल आहे। नारियुनि तरफ़ां लाइ इख़्तियारनि खां इंसाफ़ जो मुतालबो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस वारे ॾींहुं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।